हरियाणा में सरकार का शराब के ठेकों से आने वाला रेवेन्यू को बंद करने का ऐलान अब सरपंचों द्वारा कर दिया गया है और सोनीपत के ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा गांव में शराब के ठेके नहीं खुलने दिए जाएंगे। जहां सरपंच ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में अब सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सरपंच ग्रामीण स्तर पर शराब के ठेकों को किसी भी सूरत में नहीं खुलने देंगे। इसको लेकर अब सरपंच रणनीति बना रहे हैं और एक रेजुलेशन भी पास कर दिया है। वहीं सरपंचों ने ऐलान किया है कि ग्रामीण स्तर पर शराब के ठेकों को बंद करवाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा समेत सोनीपत में लगातार ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार ई टेंडरिंग को रद्द करे और ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को तेजी से करवाने के लिए सरपंचों को 2 लाख की राशि को बढ़ाकर 20 लाख तक करे और राइट टू रिकॉल को सबसे पहले मंत्रियों और विधायकों पर लागू किया जाना चाहिए। ये तमाम मांगे लगातार की जा रही है। ऐसा है जी, ये नशे के खिलाफ पहले भी हमारी ये रणनीति थी और आगे भी इस रणनीति ये रणनीति बनाएंगे हम कि भी जितने भी ब्लॉक में सभी सरपंच रेजुलेशन करके देंगे और ब्लॉक से दारू के सारे ठेके बंद, सरकार रेवेन्यू जो ये ई टेंडरिंग और ये जो राइट टू रिकॉल की धौंस दिखा रही है सरकार, इस पर उनको पता चल जाएगा। ये जो राजस्व बहुत बड़ा राजस्व ले रहे हैं और युवा पीढ़ी को नशे में धकेल रहे, सारे के ठेके 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 ठेका प्रथा सरकार चला रही है, जो जनता ने चुने रखे वह कुछ नहीं। तो ई टेंडरिंग को लेकर ये निर्णय लिया गया है, ई टेंडरिंग और जो राइट टू रिकॉल उसको लेकर ये निर्णय लिया गया है कि भाई हम जो गांव से ठेके शराब के उन सब को बंद करेंगे, उनका रेजुलेशन पास करेंगे सब सरपंच।